अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने मोनपा बौद्ध समुदाय वाले एक जिले के कस्बे तवंगे में एक चर्च के विवाद को सुलझाने के लिए कार्रवाई की मांग करते हुए पिछले शनिवार को एक मार्च सहित पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया। ईसाई राज्य की आबादी का लगभग 30% प्रतिनिधित्व करते हैं। अक्टूबर 2020 में इस उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य में स्थानीय अधिकारियों ने दो स्थानीय समूहों अरुणाचल प्रदेश की स्वदेशी आस्था और संस्कृति सोसाइटी और मोनपा मिमंग द्वारा एक शिकायत दर्ज कराने के बाद इसे अवैध बताते हुए एक चर्च का निर्माण रोक दिया था। यह निर्णय लेने के बाद कि चर्च के पास आवश्यक निर्माण परमिट की कमी है, उन्होंने स्थानीय पादरी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। हालांकि तवांग के ईसाइयों ने कहा कि 1999 से उस जमीन पर एक चर्च है और उन्होंने 2015 में इसे फिर से बनाना शुरू कर दिया था और संबंधित प्राधिकरण ने 2003 में शुरू किए गए भूमि आवंटन के लिए हमारे आवेदन को नजरअंदाज कर दिया। 23 मई को एक स्थानीय समिति ने 2010 की अनधिकृत धार्मिक संरचना नीति का सख्ती से पालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुपालन के लिए एक रिपोर्ट जारी की। हम इस मुद्दे को हल करने के लिए एक उचित रास्ता की मांग कर रहे थे, क्रिश्चियन फोरम अध्यक्ष ठोको ठेकी ने कहा। हालांकि राज्य सरकार द्वारा गठित पैनल की सिफारिशों स्वीकारी नहीं है। तवांग में ईसाई समुदाय 6 महीने के भीतर चर्च को कैसे स्थानांतरित कर सकते हैं जब तवांग में कोई निर्दिष्ट या स्पष्ट रूप से सीमांकृत भूमि नहीं है। टेकी के लिए राज्य सरकार निर्धारित अवधि के भीतर हमारी मांग को पूरा करने में विफल रही है, जिसने हमें राज्यव्यापी उन आंदोलन का मंचन किया है जिसे राज्य के ईसाई समुदाय के सभी संप्रदायों के प्रतिनिधियों के बीच सर्वसम्मति से तय किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर सरकार उनके अनुरोध का जवाब नहीं देती है तो वे मामले को अदालत में ले जाने के लिए तैयार है।